का लालन पालन हो रहा है। ये हाईवे रोड है नेशनल 11 नंबर, बीकानेर से जयपुर है, इस पे है गौशाला 17 बीघा, ये गोचर है, इसमें गौशाला बनी हुई है। 350 गाय रहती है, मटकिया भरी रहती है 24 घंटा, कोई भी पानी पानी हो जाती है, रोज मटकिया ताजा पानी से साफ होकर भरी जाती है। हाँ, ये गौशाला के रामदेव जी महाराज का मंदिर है, यहाँ बहुत याद की जाती है, बहुत चमत्कार होती है यहाँ, और भादवा महीने में इतना मेला लगा रहता है, इतनी जनसंख्या होती है बहुत ज्यादा, बहुत सुबह शाम आरती होती है यहाँ। यही गौशाला की गाऊ है, माँ ठंडा परिसर लगाया हुआ है, इसमें भी 24 घंटा ये पूर्तियाँ चालू रहती है, ठंडा है एकदम हिमाचल, ये शेरुणा की संस्कृति में नहीं, इससे ये गाऊ बनवाई थी, शीतल जल एकदम ठंडा 24 घंटा चालू रहती है सेवा। ये ट्यूबवेल का स्टार्टर और पाटिया लगा हुआ है, वो मशीन ठंडा पानी वाली लगी हुई है, वो ट्यूबवेल है वहाँ 24 घंटा चालू रहते हैं, गायें पीती है, जो पीती है यात्रियों में पानी भरती है, वो सामने रामदेव जी का मंदिर है वहाँ भी पानी वाई 30 का पानी स्टॉक रहता है, यहाँ तो एक दो दिन लाइट नहीं आए तो भी चलता है। ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पानी दिया जाता है दिन में एक बार, रोज पानी भरता है सब पेड़ पौधों को। ये 17 बीघा गोचर भूमि है, खाली जगह में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। गौशाला का ऑफिस है ये, यहाँ स्टाफ रहते हैं, जो गुरु बापू रहते हैं वो गौशाला का देख रेख करने वाले यहाँ रहते हैं, दिन में आराम करते हैं, और अंदर चक्की लगी हुई है। हाँ, इसमें दलिया पीस के छोटे बच्चों को चाटा दिया जाता है सुबह और शाम दोनों टाइम, ये चाटा का स्टॉक है।
कुत्तों के लिए काटा आ गया है, ये खेतों में ये सब बच्चे अपने आप टाइम होते ही आ जाते हैं। ए देखो हां, इनको सबको दिया दो दो टाइम, एक एक किलो, एक टाइम का एक किलो बंदा हुआ है, ये टाइम होते ही अपने आप यहाँ आ जाते हैं। देखो सब आ चूड़ी का स्टॉक है कम से कम है तो 700-800 क्विंटल, ये संपो के अलावा यहाँ पड़ी है, ये त्रिपाल पड़ा है, बड़ा है, पूरे पे त्रिपाल दे देंगे अब लोड से या मजदूरों से इकट्ठा करवा दिया, इनके ऊपर त्रिपाल आ जाएगा तो ये भिगेगा नहीं एकदम, वैसा का वैसा 6 महीने बाहर संभालोगे तो भी वैसा ही आपको ये कचरा मिलेगा चरने के लिए। आइए दोनों टाइम साफ सफाई होती है, ये घाटे से ये है खाद है ये बाहर डाल देते हैं, बाहर डालने के बाद कोई भी खेत वाला बिकट ले जाते हैं, ग्वाले इतनी मेहनत करते हैं कि पूछो ही मत आप, दोनों टाइम घर पे सफाई नहीं करते, इतनी सफाई यहाँ होती है गौशाला में, 350 गाय है, इनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं ये लोग, पूरे दिन दो रात 12 बजे तक मेहनत करते ही रहते हैं ये लोग। आप पूरी गायों की थोड़ी में रेत रंजी रहती है वो नीचे रह जाती है, एकदम साफ सुथरा कचरा यहाँ पशुओं को डाला जाता है, पूरी गायों को एक आदमी यहाँ चालने में रहती है।
समिति झंझेऊ की बनी हुई है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर झंझेऊ रहता है, 2.5 किलोमीटर शेरुणा रहता है, शेरुणा की भी हेल्प है और ये रजिस्ट्रेशन बीकानेर से भी हुई है, पशुपालन विभाग जयपुर से भी हुई है और महीने में एक साल में 3 महीने का अनुदान आते हैं, पिछले साल 6 महीने का अनुदान आया था, इतना अनुदान आते हैं और दानदाताओं से ये चलती है, दानदाता आते हैं वो कोई कचरा दे देते हैं, कोई चाटा देते हैं, उनके हिसाब से देते हैं और इनका नंबर है GP8 12 नंबर है इनका, GP8 तो बीकानेर का है और 12 नंबर गौशाला का ये नंबर है हमारा, GP8 CP12।